सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्तानासन। श्वास भरते हुए बैक ऑफ द हैंड्स को ऊपर ले जाइए, सिर को पीछे लटका दीजिए और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए बाहों को ऊपर ले जाइए, ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा, सिर को पीछे लटका दीजिए। अगर आपको चक्कर आते हैं तो इमीडिएटली इसको बंद कर दीजिए, अन्यथा रोज 5 बार करने से आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह या हेडेक में इस आसन को करने से बहुत लाभ होगा। थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, एकदम गर्दन का टेंशन खत्म, कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो नहीं सकता। 5 बार कम से कम किया करेंगे। श्वास गहरा भरिए, हाथों को मिलाइए बैक ऑफ द हैंड्स और सिर को पीछे ढीला छोड़ दीजिए और ऊपर देखते रहिए। श्वास छोड़ते हुए बाहों को नीचे लाए। श्वास का बड़ा महत्व है योग में। आप मानिएगा, थोड़ा क्रॉस योर आर्म्स, ये हमने इजाद किया है, कहीं और है नहीं। कहीं भी आप सारे विश्व में चले जाइए, कई बार क्या होता है इतनी स्टिफ हो जाती है बॉडी कि दोनों हाथ दबा नहीं पाते। दाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाइए, इससे अच्छा ग्रिप बनेगा आपका, और बाएं हाथ को दाएं तरफ, एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन्हें ज्यादा दिखना पड़ना पड़ता है या टेंशन है या किसी भी कारण से, वो ये करेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा। अब दूसरा आसन करिए, इसी को ही आगे से क्रॉस करते हुए बाहों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। ये भी हस्तोत्तानासन है, दोनों बाहों को चक्राकार घुमाते हुए ऊपर जाइए, श्वास भरते हुए बॉडी को पीछे ले जाइए। जिन लोगों को किसी प्रकार के भी व्यायाम करने की आदत नहीं है, हस्तोत्तानासन नंबर 1 और हस्तोत्तानासन नंबर 2 5-5 बार इस व्यायाम को करने से आपको लाभ मिलेगा। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, स्टिफनेस इन द शोल्डर्स, पेन इन द नेक, हेडेक्स और माइग्रेन, आपको ये सारी तकलीफें नहीं आएंगी। कम से कम 5 बार किया करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। अब फिर मानिएगा, थोड़ा सा मैसेज योर सेल्फ, सेल्फ लव है, प्यार दीजिए, अपने आप को मालिश कीजिए। अब तीसरा आसन देखिएगा, तिर्यक कटि चक्र आसन। दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर और बायां बाजू पीछे, कमर के पीछे, पांव खोल के रखिए। श्वास का बड़ा महत्व होता है योग में। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए वापस आएंगे और ये एड़ी उठ जाएगी। श्वास भरेंगे, जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। झटका नहीं चाहिए, तनाव नहीं चाहिए, खासतौर पे जिनको गर्दन में पहले ही तकलीफ है, यदि बहुत झटके से करेंगे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं तिर्यक कटि चक्र आसन। अब अदला बदली करेंगे, इससे आपके कमर के रोग दूर होते हैं, गर्दन में भी फर्क मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके दुख रोग दूर होते हैं, तो बहुत उत्तम है ये। रोज करा करें थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना भी करें, शुरू में 3 बार कर लें, बढ़ाते बढ़ाते फिर 7-8 बार 10 बार तक ले जा सकते हैं 15-20 दिन के अंतराल में। तो ये आपने सीख लिया, बहुत अच्छा है। फिर मालिश करिए गर्दन को, बाहों को, गर्दन के पीछे, कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। तनाव से मुक्ति मिलेगी, दर्दों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। अब करेंगे स्ट्रेच एंड स्क्वाट, इससे पूरी बॉडी का रिकंडीशनिंग हो रहा है आपका, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की भी और लोअर बैक की भी अब खुलेगी, घुटनों में भी जान आएगी, नई शक्ति का संचारण होगा। श्वास भरते हुए पीछे बाहों को ले जाओ, हाथ अलग से भी रख सकते हैं और मिला के भी पीछे जाइएगा। श्वास भरते हुए शरीर को अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे, सिर पीछे जाएगा, बॉडी कमर को आगे को करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, घुटने मोड़िए और बैठते जाएंगे। फिर करिए, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बात का मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, कई लोग देखा देखी कर लेते हैं, जैसे इन्होंने अधिक कर लिया, अधिक नहीं करना। आपको आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो आप थोड़ा जाएंगे, और जिनको चक्कर आते हैं वो ज़्यादा पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच दो और वापस आ जाओ। घुटनों में दर्द है तो ज़्यादा नीचे मत बैठे, कमर में दर्द है, शैटिका है तो ज़्यादा पीछे मत जाएं, लेकिन करिएगा ज़रूर। आगे पीछे करने से आपकी रीढ़ की हड्डी बलशाली बनती है, मजबूत बनती है, और उससे आपको बहुत लाभ होता है। श्वास भरते हुए पीछे को जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे को आते हैं। शुरू शुरू में ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, खासतौर पे जिनकी कमर कमज़ोर है, कमर दर्द है, शाटिका है, धीरे धीरे जाइए, थोड़ा सा लेके जाएं, लेकिन सिर को पीछे आसमान की तरफ पहले तो ऊपर देखें और थोड़ा सा पीछे को लटका दें, और श्वास छोड़ते हुए आगे आए आधे रास्ते। इससे आपके शरीर में लचक बढ़ती चली जाएगी, और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके सारे जितने भी दर्द है रीढ़ की हड्डी के वो समाप्त होने लगते। कमर में दर्द नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, यानी स्पॉन्डोलाइटिस से हमेशा के लिए छुट्टी, और कई घंटे आप काम कर सकेंगे बिना किसी थकावट के। अब एक सरल आसन आपको और मैं सिखाना चाहता हूँ। ऐसे लेट जाइए पेट पर, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रख दीजिए ओवरलैपिंग, और उसके ऊपर ठुड्डी रख के धीरे धीरे, जो हम टीवी पे कई बार दिखा चुके हैं, इसको मैंने इजाद किया है, इन्वेंट किया है, किसी किताब में आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा कहीं भी। ये जो है धीरे धीरे अगर आप ले जाएंगे, शुरू में 10 बार ले जाइए इधर उधर, बाद में इसको बढ़ा के 20 बार तक ले जा सकते हैं, 1.5-2 महीना के अभ्यास के अंतराल में। आप देखेंगे कि आपको डेली इससे राहत मिलेगी, जो नस नाड़ियाँ दुखित हैं वो ठीक होने लगेंगी, रक्त का संचार बढ़िया हो जाएगा, और आपकी पीड़ा निकलने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, नॉर्मल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। जो है ये इतना अद्भुत ये सूक्ष्म यौगिक व्यायाम है, ऐसा इसे मकर आसन कहते हैं, नंबर 1। ये मेरे द्वारा प्रतिपादित है, और लाखों लोगों को हमने सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, माइग्रेन, हेडेक, टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, फियर, किसी प्रकार का भी मानसिक या शारीरिक तनाव हो, इससे तुरंत दूर होता है। इतना अद्भुत लाभ है इसके, और धीरे धीरे करिए, चेहरे पर रौनक बनने लगती है, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, गर्दन में तनाव नहीं आता, आप घंटों घंटों कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, कोई भी आसन करने योग्य हो सकते हैं। कम से कम भी 10 से 15 बार इसको करना है, शुरू में भले ही 10 बार कर लें एक एक साइड में, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 15 बार, 20 बार, 25 बार, 2 सप्ताह के अंदर अंदर जब 25 बार तक जाएगा, आप देखेंगे जिन लाभों का हमने जिक्र किया है वो सारे के सारे लाभ आपको मिलेंगे। जल्दी नहीं करना, थोड़ा पॉज दीजिए बल्कि साइड में जाके, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। छाती में भारीपन हो, तनाव हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, डायबिटीज हो, जो जो भी रोग तनाव जनित रोग हैं, सभी तनाव जनित रोगों से मुक्ति पानी है, तो ये एक अद्भुत व्यायाम है जिसे हर व्यक्ति, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, हर कोई कर सकता है। उसके बाद एक दूसरा मकर आसन है, हाथ ठुड्डी के नीचे, ये आप देखते ही हैं, ये और लोग भी कराते हैं, योग शास्त्रों में भी इसका जिक्र है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं मकर आसन नंबर 2। आंखें बंद, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए, श्वास आपका जीवन है, जब श्वास समाप्त हो जाता है तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है, श्वासों के साथ आपका मन भी बंधा है। शास्त्रों में कहा है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, वायु चलती है तो मन चलता है, वायु ठहर जाती है तो मन ठहर जाता है, तो वायु को ठहराने का प्रयास करें, खूब गहरा श्वास लें, उसको महसूस करें परमपिता परमात्मा को श्वास के रूप में, शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, नासिका में, गले में, छाती में, पेट में, धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे,
तनाव किसी प्रकार का भी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो हमने इसमें एडिशन किया वो भी देख लीजिए। नंबर 3 मकर आसन, बायां हाथ धरती पर रख दीजिए, दायां हाथ ठुड्डी के नीचे पड़ा रहेगा और दाएं हाथ की तरफ ही पूरी बॉडी को झुला दीजिए, पूरी बॉडी को उठा दीजिए, घुटने भी टांग भी, केवल पैर पड़ा रहेगा बस। अब चेंज करिए, दूसरी तरफ जाइए, हाथ ठुड्डी के नीचे रखिए, घुटना जंघाएं उठा दीजिए पूरा, धीरे धीरे हाथ ठुड्डी के नीचे पड़ा रहेगा। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, दुनिया भर का तनाव, दर्द, तकलीफ, लैक ऑफ सर्कुलेशन सब ये तिरोहित होने लगेंगे यदि आप ये तीनों मकर आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे करें, श्वासों को सिंक्रोनाइज करें, कम से कम भी 3-3 बार कर लिया करें, बाद में बढ़ाकर 5-7 बार भी कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कमर में बहुत दर्द है, बहुत स्टिफ हैं, ऐसे भाई बहन इसे नहीं करेंगे, अन्यथा इससे ये रोग कभी आते नहीं है। Now, please relax like a baby sleeps. इसको कहते हैं बाल शयन आसन। जैसे बच्चे छोटे नए बेबी जो होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज या इन्फेंट्स, यू कैन सी देम ऑफन लाइंग डाउन इन दिस पोजीशन, इसलिए उनके नाम से लिया गया है। जिनको गर्दन में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, या सारा दिन जो है मतलब तनाव में रहते हैं, बैड पोस्चर में रहते हैं और रात को आके पिलो ले लेते हैं मोटा मोटा, टीवी देखते हैं, उसमें उनको और तकलीफ बढ़ जाती है आराम की बजाय। ऐसा लेटने से एक तो निद्रा गहरी आती है, पिलो की आवश्यकता नहीं रहती, बैक को रिलीफ मिलता है, शाटेगा पेन में भी राहत मिलती है। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी क्योंकि डीप रिलैक्सेशन इससे मिल जाती है तो दे कैन ओवरकम ऑल दैट प्रॉब्लम। इवन डायबिटीज वाले भी अगर ऐसे लेटते हैं और गहरा श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हैं बाल शयन आसन में, तो उसमें भी इस बाल शयन आसन से लाभ हो सकता है। इसके अलावा देख लीजिएगा बिलाव आसन। श्वास भरेंगे इधर आएंगे बैठेंगे, श्वास छोड़ेंगे आगे जाएंगे। इसको अगर आप 8-10 बार करेंगे तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा पहले दिन से ही, और कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपका ये कष्ट जो है हमेशा के लिए खत्म हो। अब शवासन करेंगे, फिश रिलैक्सेशन। घुटने मोड़ के हाथ को छाती पे रखिए, विल डू फिश रिलैक्सेशन, हेड इज स्ट्रेट एट द मोमेंट, डू इट अगेन 3 times, यू हैव टू रिपीट वन आफ्टर द अदर, एकदम रिलैक्स करेंगे। तनाव से मुक्ति माने जितने भी आजकल के मॉडर्न डिजीज हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, नींद ना आना, ये सारी बीमारियां आपकी तनाव से हैं, इनको आप हटा सकते हैं रिलैक्सेशन करके।